तो चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो उस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है हरियाणा से, जहां पर कोरोना के चलते पानीपत कोर्ट में एंट्री बंद कर दी गई है। सिर्फ और सिर्फ जरूरी केस में ही हियरिंग होगी। पानीपत कोर्ट के अंदर कोरोना वायरस के चलते यह अहम फैसला लिया गया है। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी अब चाक चौबंद कर दी गई है पानीपत कोर्ट के बाहर। तो कोरोना वायरस के चलते पानीपत कोर्ट में अब एंट्री बंद कर दी गई है, सिर्फ जरूरी जो केस होंगे उनकी सुनवाई होगी। तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है पानीपत कोर्ट के बाहर और आने जाने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है। यह फैसला कोरोना वायरस के चलते एहतियात के तौर पर लिया गया है। कोर्ट के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। कोरोना के चलते पानीपत कोर्ट में अब एंट्री बंद कर दी गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। सिर्फ जरूरी केस में ही अब सुनवाई होगी। और यह तस्वीरें पानीपत कोर्ट के बाहर की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर तमाम सुरक्षा बलों के द्वारा अब पानीपत कोर्ट में चेकिंग की जा रही है और एंट्री पर रोक लगा दिया गया है। सुरक्षा के तमाम इंतजाम है कि किसी भी तरह की चूक ना हो, क्योंकि पूरे हरियाणा के अंदर 18 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव हैं, जिसके बाद अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सहित पूरा प्रशासन अलर्ट पर है। और पानीपत कोर्ट में जहां पर सबसे ज्यादा लगभग भीड़ होती थी, पानीपत कोर्ट में एहतियातन के तौर पर अब इस कोर्ट को बंद कर दिया गया है। सिर्फ जरूरी सुनवाइयां होंगी इस दौरान, जब तक ये नियम जो है वो चलेगा। हमारे साथ अब प्रवीण भारद्वाज जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। प्रवीण, कोर्ट में एंट्री बंद कर दी गई है, अपडेट्स क्या कुछ है आपके पास? ये देखिए, बताना चाहेंगे, सरकार का निर्देश है कि सरकार 31 मार्च तक सभी सरकारी जो दफ्तर हैं उनको बंद कर दिया जाए। इसी के अनुरूप जो है पानीपत प्रशासन ने पहले लघु सचिवालय में जो सेंटर थे उनको बंद कर दिया था। आज हाईकोर्ट के निर्देश पर जो पानीपत की जिला कोर्ट है उसमें भी जो है वो एंट्री बंद कर दी गई है। वकील ही सिर्फ अंदर जा सकते हैं, वही तारीख लेके आएंगे। जो क्लाइंट थे उनकी एंट्री पूर्णतः बैन कर दी। अच्छा प्रवीण, बिल्कुल आपने बात की होगी वहां पर सुरक्षा कर्मियों से, क्या कुछ कहना है उनका, की क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जरूरी केस जो है उनकी हियरिंग होगी इस दौरान। जी देखिए, मेन जो मुख्य गेट है उस पर ही सुरक्षा कर्मी भी तैनात है। वही सुरक्षा के मद्देनजर वहां जो वकील है उनको मास्क वितरित किए गए हैं, सैनिटाइजर की सुविधा वहां पर प्रशासन द्वारा की गई है। वही सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं, हर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या न हो इसके लिए प्रशासन पूर्णतः तैयार है। और वकील ही सिर्फ जो है न्यायालय में पेश होंगे और वही सुनवाई करेंगे। चलिए प्रवीण, बिल्कुल तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।